प्रगति जी में कारण सब पारा पारा वार ही हो जाता है। ये कहा जाता है हमारे छत्रपति शिवाजी के महाराज की सेना के बारे में कि जब वो चलते थे तो उनके समुद्र के सेना थी वो थाली पे रखे हुए पाने का सामान इधर उधर मिलते जुलते रहती थी और वो समुद्र के सामान और उससे जो धूल उड़ती थी उससे पूरा उससे जो हमारा पूरा वो पूरी चांदी चिमटिमाने चिमटमाना हुआ दिखाई पड़ता था। मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ पे वैसे अभी यहाँ पे इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी ऐसी चीजों की बात हो रही थी। हमें इन सब पर भी बात करनी होगी कि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं तो हमें फिर पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी बात करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और आज हम बहुत खुश हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 45 ट्रिलियन डॉलर ट्रस्ट लेके गए थे उसका क्या उसका भी अगर हम लोग याद रखेंगे तो सकते हैं। दूसरी चीज हमें इतना भी डेवलप नहीं हो जाना है कि हम अपने बड़ों का आदर करना भूल जाएं। हमें इतना भी डेवलप नहीं हो जाना है कि हम अपनी संस्कृति भूल जाएं। हम वो संस्कृति है जिसने युधिष्ठिर के जमाने से सारे नक्षत्रों का वर्णन कर दिया था। आज नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है सोलर लूनर इक्लिप्स में किस समय क्या है। आप गाँव के किसी भी कोने वाले पंडित से जाके पूछ लीजिए कि आज से 2 साल बाद वाली लूनर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स कब लगेगी। वो एक मिनट का एक सेकंड का भी अंतर हो तो अपना नाम बदल सकता है इंसान। ऐसी सभ्यता से है हम लोग और ऐसी सभ्यता के लोग आज बहुत दुख होता है कि हमारे यूथ आज वेस्टर्न पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज का मेरा मकसद है मेरे सपनों का भारत 2047। जब मैं अपने सपनों के भारत की परिकल्पना करती हूँ तो मेरे मानस पटल पर ऐसे सपनों की भारत की छवि अभिभूत होती है जहाँ पे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे विशाल शिक्षा के केंद्र थे जिसके होने से युवाओं को अपना देश छोड़कर विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाना पड़ता था और वो यही रहकर अपने देश को सुसज्जित और सुविकसित करते हैं। जब मैं अपने सपनों के भारत की परिकल्पना करती हूँ तो मेरे मानस पटल पर उन विद्वान अर्थशास्त्री कौटिल्य की छवि नजर आती है तथा दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की छवि नजर आती है जिनकी शिक्षा केवल पाठ्यक्रमों तक सीमित ना होकर बल्कि उनके बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास पर केंद्रित थी। मैं ऐसे सपनों के भारत की संकल्पना करती हूँ जहाँ देश के चौथे कही जाने वाली मीडिया केवल सरकार की चाटुकारिता ना करे देश के सामाजिक मुद्दों को उठाए जिससे यह देश विकसित हो सके। मैं ऐसे सपनों के भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ पे कोई किसान बाढ़, भूखमरी और सूखे से ग्रसित होकर आत्महत्या ना करे वरन वह अपने लहलहाते हुए खेतों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। मैं ऐसे 47 की बाट जो रहे आचार्य चाणक्य ने कहा था यदि बल से भय हो तो एक बलहीन देश कभी भी विश्व में अपना नाम नहीं कर सकता, शास्त्र कालजयी होता है। तो इस समय ने यदि हमें चुनौती दी है तो आवश्यकता है इससे पराक्रम दिखाने की, ना कि यहाँ से पलायन करके NRI बन के विश्व में भर में जा करके अपना नाम कमाने की। देश अब बलिदान मांग रहा है, हम सबका साथ मांग रहा है, वह साथ जो कभी 1947 के पहले हमारे क्रांतिकारों ने दिया था। हाँ, पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, पर उसके साथ जरूरी है वैल्यूज, जिसे हम नीति या मूल्य हिंदी में कहते हैं। अगर नैतिक शिक्षा नहीं होगी तो शिक्षा प्राप्त करके ही लादेन बना था, शिक्षा प्राप्त करके ही तमाम बड़े बड़े बुरहान वानी बना था। और शासन के उदाहरण ऐसे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, हम सबको पता है एक गांव ऐसा भारत में है छत्तीसगढ़ में जहां पर आज भी फेक कॉल आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि आपको ये मिल गया है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। शिक्षा है पर वहां पर वैल्यूज नहीं है, वहां पर सबके पास यही कमी है। इसलिए आवश्यकता यह है कि शिक्षा भी